अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्री नाइन्थ। आज हम तीन एग्जाम्पल हमने स्टडी करनी है, एग्जाम्पल नंबर 3.4, एग्जाम्पल 3.5 और एग्जाम्पल 3.6। एग्जाम्पल 3.4 का ताल्लुक वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शन पुली व्हाइल बोथ द मासेस आर हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये इससे रिलेटेड है, इस आर्टिकल से रिलेटेड है। इसे एग्जाम्पल में है कि टू मासिस 5.2 किलोग्राम एंड 4.8 किलोग्राम आर अटैच टू द एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। फाइंड द एक्सेलेरेशन इन द सिस्टम एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बोथ द मासिस आर मूविंग वर्टिकली, यानी जब दोनों मासिस वर्टिकली मूव कर रहे हो। सोल्यूशन ये है बेटा, एम वन 5.2 किलोग्राम है, एम टू 4.8 किलोग्राम है, और एक्सेलेरेशन के लिए फार्मूला, जबकि दोनों मासेस वर्टिकली हैंग कर रहे हो तो फार्मूला एक्सेलेरेशन के लिए होगा m1 माइनस m2 मल्टीप्लाइड बाय g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जब वैल्यूज पुट करेंगे 5.2 किलोग्राम माइनस 4.8 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5.2 किलोग्राम प्लस 4.8 किलोग्राम, तो एक्सेलेरेशन ये कैलकुलेशन इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से अब टेंशन मालूम करने के लिए फार्मूला है 2m1m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इन्हें हम वैल्यूज पुट कर दें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5.2 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 4.8 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5.2 किलोग्राम प्लस 4.8 किलोग्राम। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो टेंशन जो है वो 50 न्यूटन आ जाएगी, लिहाजा जो एक्सेलेरेशन इन द सिस्टम होगी वो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, और जो टेंशन स्ट्रिंग में होगी वो 50 न्यूटन होगी, जबकि दोनों मासेज हैं वर्टिकली हैंग कर रहे हों। एग्जाम्पल 3.5, टू मासेज 4 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम आर अटैच टू द एंड्स ऑफ द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पासिस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट अ मास 6 किलोग्राम इज मूविंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड मास 4 किलोग्राम इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। फाइंड द एक्सेलेरेशन इन द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। बेटा ये एग्जाम्पल 3.5 जो है उसके ये आपका एक फिगर है, उस इसके हवाले से आपने इसको समझना है। ये जो है एक मास जो है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है और दूसरा फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से वो वर्टिकली हैंग कर रहा है। तो इन दोनों के अंदर आपने एक्सेलेरेशन भी मालूम करनी है और टेंशन इन द स्ट्रिंग भी मालूम करनी है। डेटा आपका बताता है कि एम वन जो है 4 किलोग्राम है, एम टू 6 किलोग्राम है, तो इसके लिए जब एक मास हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर मूव कर रहा हो दूसरा वर्टिकली हैंग कर रहा हो, तो इन दोनों और दोनों इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ बंधे हो तो इनके अंदर एक्सेलेरेशन का फार्मूला है एम वन मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। वैल्यूज पुट करेंगे 4 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर डिवाइडेड बाई 4 किलोग्राम प्लस 6 किलोग्राम, ये एक्सेलेरेशन आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्केयर, और टेंशन मालूम करने के लिए फार्मूला है एम वन एम टू जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। तो वैल्यूज अगर पुट करें 4 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 6 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 किलोग्राम प्लस 6 किलोग्राम, तो टेंशन जो है वो 24 न्यूटन आ जाती है। लिहाजा दस द एक्सेलेरेशन इन द सिस्टम इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 24 न्यूटन। एग्जाम्पल 3.6, अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड। आपने एक बॉडी 5 किलोग्राम जो है जिसका मास है वो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, आपने वो फोर्स मालूम करनी है जो इसको 2 सेकेंड के अंदर रोकते हैं। इसका ताल्लुक चेंज इन द मोमेंटम से है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके लिए डेटा है आपका मास जो है वो 5 किलोग्राम है और वेलोसिटी जो है इनिशियल वो 10 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी वो 0 मीटर पर सेकंड है क्योंकि बॉडी जो फोर्स लगाकर रोक दी गई है। अब इसको रोकने के लिए
टाइम जो है 2 सेकंड लिया गया और इसको 2 सेकंड के अंदर रोकने के लिए जितनी फोर्स लगाई गई है वो आपने मालूम करनी है। तो पी आई है इनिशियल, इसका जो मोमेंटम है वो 5 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर पर सेकेंड, ये 50 न्यूटन सेकेंड आ जाता है। और फाइनल मोमेंटम जो है वो जीरो होगा क्योंकि 5 किलोग्राम मास है, और वेलोसिटी जीरो हो जाने से ये जीरो मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। तो पी एफ माइनस, तो फोर्स जो है वो किसके बराबर है, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो 0 न्यूटन सेकेंड माइनस 50 न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा माइनस 25 न्यूटन। लिहाजा 25 न्यूटन फोर्स जो है वो रिक्वायर है टू स्टॉप द बॉडी। नेगेटिव साइंस शो कर रहा है कि ये फोर्स जो है वो बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के मुखालिफ अपोजिट सिमत में लगाई गई है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाई गई है। उम्मीद है आप तीनों एग्जाम्पल्स को बेटा समझ गए होंगे, इनको तैयार कर लीजिएगा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। खुदा हाफिज़।